विद्वान चिन्ह किए गए हैं और वो ऐसे विद्वान हैं, विद्वान मनीषी हैं, हैं नवयुवक, लेकिन उनका जो काम है वो अत्यंत ही सराहनीय और गांधीपूर्ण काम है। बहुत सारे ऐसे संस्कृत के क्षेत्र में, अपने विषय के क्षेत्र में, बल्कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने मुख्य उपाध्याय पीठ में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सारे ग्रंथ मुख्य उपाध्याय पीठ का उन्होंने प्रकाशित करवाया, संपादन, लेखन, बहुत हर तरह से उन्होंने जो है वो काम किया है और जो सराहनीय रहा है। तो समिति ने उनको चिन्हित किया और उन्हें पुरस्कार सम्मानित करने का एक अपना सौभाग्य माना, जो हम उनको सम्मानित करके परिसर अपना सौभाग्य मानेगा। तो ऐसे जो विद्वान मनीषी, युवा मनीषी हैं, वो हैं लाल घाटी, जो अपना शासकीय रामानंद संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ उनकी नियुक्ति हुई है ज्योतिष के पद पर, ज्योतिष प्राध्यापक के पद पर, और वो हैं आचार्य डॉक्टर गणेश त्रिपाठी महोदय। एक बार पर्दा ध्वनि से आप लोग स्वागत करें और आपसे निवेदन है कि आप आएँ और अपना सम्मान, संस्कृत भूषण सम्मान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित करें, इस परिसर को गौरवान्वित करें। डॉक्टर गणेश त्रिपाठी महोदय देखने में युवक लगते हैं, लेकिन काम इनका बड़ा ही बने वयस्क या वयोवृद्ध जितना काम कर चुके हैं। तो इन्हें हाँ बालों की वृद्धा,